मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से 114 सीटों पर कांग्रेस ने रविवार को पहली सूची जारी की, जिसके बाद कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ 21 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व सांसद के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कांग्रेस ने रविवार को 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें कई नाम को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में प्रत्याशी माया त्रिवेदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। इसके बाद रतलाम में भी बगावा शुरू हो गई है। रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट से मनोज चावला को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। मनोज चावला वर्तमान में विधायक हैं। इस सीट से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू दावेदारी कर रहे थे। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का टिकट कट जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 21 अक्टूबर को प्रेमचंद गुड्डू अपना नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है। वे सांवेर और आलोट से विधायक रह चुके हैं, जहां पर पार्टी को उनकी आवश्यकता थी, वहां उनका उपयोग किया गया। अब जब उन्होंने आलोट से विधानसभा टिकट मांगा तो उनकी मांग को दरकिनार करते हुए मनोज चावला को टिकट दे दिया गया। उन्होंने दावा किया कि विधायक मनोज चावला का आलोट में काफी विरोध हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम लोगों की मांग पर उन्होंने आलोट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वे 21 अक्टूबर को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बोसी को सांवेर से मंत्री तुलसी सिलावट के सामने कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जबकि गुड्डू का टिकट काट दिया गया है। प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि वो आलोट सीट से 100% चुनाव जीतने की स्थिति में थे, मगर पार्टी ने गलत निर्णय लिया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। हालांकि जब तक नामांकन दाखिल होगा उस समय कांग्रेस को पता चल जाएगा उनका निर्णय गलत है। गुड्डू के अलावा राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सीट पर भी विरोध शुरू हो गया है। पार्टी ने अवधेश नायक को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के समर्थकों में काफी आक्रोश है। वो सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन दुख इस बात का है कि दतिया जिले में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पिछले 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के गृहमंत्री से लड़ते रहे हैं, उनकी उपेक्षा की गई है और ये उपेक्षा इस बात को सिद्ध करती है कि गृहमंत्री का षड्यंत्र पूरी तरह से सफल हो गया है और कांग्रेस पार्टी का टिकट बजाय कांग्रेसी कार्यकर्ता को मिलने के एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की ए और बी टीम का मुकाबला हो रहा है। पार्टी से टिकट वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की सूची को आए तो बस एक दिन हुए हैं। राजनीति के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इसी विरोध के चलते कांग्रेस पहली लिस्ट लाने में देरी कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, MP डिजिटल।